Hey my lovely people out there, namaste, welcome back friends, how are you all doing? I hope you all must be doing really good. आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट एकोलॉजिका फेस वॉश. जैसे कि वीडियो के टाइटल एंड थंबनेल को देख के आप लोग ऑलरेडी समझ ही गए होंगे. Now guys, I have been using this product from last one month and I'm ready to share my review with you all. So let's get started with today's video. We'll start with the packaging first. So friends, कुछ इस तरीके के आउटर पैकेजिंग में आपको ये फेस वॉश मिलेगा. वेरी नाइस पैकेजिंग आई मस्ट से. दिस सेज एकोलॉजिका हाइड्रेट प्लस फेस वॉश विद कोकोनट वाटर एंड हेलोरोनिक एसिड हाइड्रेट प्लस नरिश. ये सारी चीजें यहाँ पे क्लियरली मेंशन की गई हैं एज यू कैन सी. एंड दिस फेस वॉश कम्स विद यूनिक वाटर लॉक टेक्नोलॉजी. इसमें गाइज आपको 100 ml की प्रोडक्ट क्वांटिटी मिल जाएगी एंड इट रिटेल्स फॉर 299 rupees. बट ये मुझे 250 rupees में मिल गया था. मैंने इसे नाइका से परचेज किया था एंड बैक साइड पे इसकी शेल्फ लाइफ की सारी डिटेल्स दे रखी है. कुछ की पॉइंट्स मैं आपको इस फेस वॉश के बारे में बता देती हूँ. इट हैज सोप फ्री फॉर्मूला. डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड प्रोडक्ट है ये एंड इट इज अ टोटली क्लीन प्रोडक्ट. मीन्स नो सल्फेट्स, नो पैराबेन्स, नो थैलेट्स एंड नो मिनरल ऑयल. इट इज वीगन एंड क्रुएलिटी फ्री. बैक साइड पे इसके क्लेम्स भी बता रखे हैं. नंबर वन, इट बूस्ट्स हाइड्रेशन. सेकेंडली, डीपली क्लेंजेस एंड फॉर नरिश्ड स्किन. यहां पे आपको बता रखा है किस तरीके से आपको ये प्रोडक्ट यूज करना है. एंड गाइज, इसकी इनर पैकेजिंग मैं आपको दिखा देती हूँ. मैं आपको एक और बात यहाँ पे बता देती हूँ गाइज. मेरे पास अभी दो पैकेजिंग है. एक पैकेजिंग को मैं बिल्कुल कम्प्लीटली फिनिश कर चुकी हूँ. सो मैं आपको वो प्रोडक्ट भी दिखा देती हूँ. सो ये रही इसकी इनर पैकेजिंग. ठीक है, ये पूरा मैं खत्म कर चुकी हूँ. ये इस तरीके की पैकेजिंग में आता है. ये रही मेरी सेकेंड ट्यूब जिसे अभी मैं करंटली यूज कर रही हूँ. सो कुछ इस तरीके की प्यारी सी ट्यूब पैकेजिंग में ये प्रोडक्ट आपको मिलेगा एंड फ्लिप कैप के साथ ये आता है. जो छोटा सा प्रोडक्ट है, ट्रैवल फ्रेंडली भी है एंड वेरी इजी टू यूज. जो भी डिटेल्स इसके आउटर पैकेजिंग पे मेंशन की गई है वो सारी डिटेल्स आपको इनर पैकेजिंग पे भी मिल जाएगी एंड ये बहुत ही अच्छी बात है. सो आप इस आउटर पैकेजिंग को डिस्कार्ड कर सकते हो. सो काफी अच्छी वाली पैकेजिंग है इसकी गाइज. इस ये वाली फर्स्ट ट्यूब को मैं खत्म कर चुकी हूँ. मुझे ये फेस वॉश बहुत अच्छा लगा था इसीलिए मैंने ये सेकेंड पर पैकेजिंग भी परचेज कर ली. नेक्स्ट गाइज, अब हम बात करते हैं इंग्रेडिएंट्स के बारे में. सो अभी आप क्लियरली इंग्रेडिएंट्स को स्क्रीन पे देख भी पा रहे होंगे. जो इसके की इंग्रेडिएंट्स हैं वो मैं आपको बता देती हूँ. उनके बेनिफिट्स मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ. नंबर वन, इट हैज कोकोनट वाटर इन इट. वेबसाइट पे क्लियरली मेंशन किया गया था दैट द कोकोनट वाटर दैट इज यूज इन दिस फेस वॉश इट इज सोर्स्ड फ्रॉम केरला's finest farms. It deeply hydrates the skin while making it soft and smooth. Next guys, it has hyaluronic acid in it. It helps binding water to skin cells, making skin soft, plumpy and hydrated. Third, इसमें glycerin की properties हैं and glycerin acts as a humectant. Glycerin works great in relieving dryness and boosts hydration. टॉकिंग अबाउट द फॉर्मूला, फाइन जेल बेस्ड इसका टेक्स्चर है. बहुत ही अच्छे से ये फोम करता है. वेरी लिटिल क्वांटिटी इज रिक्वायर्ड टू वॉश योर फेस. फ्रेग्रेंस इज देयर. कोकोनट की खुशबू आती है इसमें से बट गाइज थोड़ी सी स्ट्रांग फ्रेग्रेंस रहेगी इसमें. यहाँ पे एक बात मैं आप लोगों के साथ क्लियरली शेयर कर देना चाहती हूँ. काफी लोगों की जो स्किन होती है ना गाइज, वो फ्रेग्रेंस सेंसिटिव होती है. सो कीप दिस पॉइंट इन माइंड. अगर आपकी स्किन को फ्रेग्रेंस वाले प्रोडक्ट्स पसंद नहीं है सो मैं आपको पर्सनली ये प्रोडक्ट रिकमेंड नहीं करूंगी बिकॉज इसमें फ्रेग्रेंस थोड़ी सी ज्यादा है. बट ब्रांड ने ना गाइज क्लियरली मेंशन किया है ऑन देयर इंग्रेडिएंट्स लिस्ट दैट ऑल द फ्रेग्रेंसेस दैट हैज बीन यूज्ड इन दिस प्रोडक्ट आर इफ्रा सर्टिफाइड एलर्जिक फ्री फ्रेग्रेंस. बट स्टिल गाइज मैंने आपको ये बात क्लियरली मेंशन कर दी है. ना जिनकी डिहाइड्रेटेड एंड डल स्किन है ना, उनके लिए ये प्रोडक्ट बेस्ट रहेगा. दिस इज सूटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप्स. माई स्किन टाइप इज नॉर्मल टू कॉम्बिनेशन एंड इट सूटेड माई स्किन वेरी वेल. इट इज माइल्ड एंड जेंटल ऑन स्किन. अब आप देख भी पा रहे होंगे कि बहुत अच्छे तरीके से ये फोम करता है. क्लेंजेज द स्किन वेरी वेल. बहुत ही अच्छे तरीके से डर्ट एंड इम्प्योरिटीज को एकदम से स्किन से निकाल देता है. ड्राई आउट नहीं करेगा ये स्किन को. स्किन काफी सॉफ्ट, सपल एंड फ्रेश फील होती है आफ्टर यूजिंग दिस. इसका जो मेन पर्पज है फ्रेंड्स, वो आपकी स्किन को हाइड्रेशन प्रोवाइड करना है एंड येस इट सर्व्स इट्स पर्पज वेरी नाइसली. Overall, it is a good and a decent product, perfect for everyday use. You can surely give this product a try. It helps in maintaining perfect hydration level on our skin. अभी जैसे कि friends summers का time चल रहा है, so बहुत ही अच्छे तरीके से ये face से dirt and impurities को एकदम से clean कर देता है. कमाल का face wash है. मैं भी इसे अभी use कर रही हूँ. काफी ज्यादा product अभी बचा है. बिल्कुल भी sponsored video ये नहीं है. मैंने खुद के पैसों से ये product purchase किया है just to try it out and share my review with you all. बिल्कुल honest review है. मुझे और
पर्सनली मेरी स्किन को ये प्रोडक्ट अच्छा लगा, इसीलिए मैं आप लोगों के साथ अपना पॉजिटिव एंड जेन्युइन रिव्यू यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। नाउ गाइज, कोकोनट जो वाटर होता है ना, इट इज रिच इन विटामिन के सी एंड ए दैट बेसिकली हेल्प्स इन स्टिम्युलेटिंग कोलाजन प्रोडक्शन ऑन आवर स्किन, देयर बाय प्रमोटिंग हेल्दियर प्लम्पी एंड सॉफ्ट स्किन, हेल्दियर लुकिंग स्किन बेसिकली। सेकेंड, जो कोकोनट वाटर होता है, इट एक्ट्स एज ए नेचुरल क्लेंजर, इसमें एंटी बैक्टीरियल एंड एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज भी होती हैं। सो ये जो परफेक्ट ब्लेंड है ना दो इंग्रेडिएंट्स का, कोकोनट वाटर एंड हेलोरोनिक एसिड, ये बहुत ही कमाल का ब्लेंड इन्होंने कर रखा है। सो मुझे पर्सनली ये प्रोडक्ट काफी अच्छा लगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के साथ इसी रेंज का जो ये सीरम आता है ना, इसका रिव्यू शेयर करूंगी। इस सीरम को भी यूज करते हुए मुझे अभी एक महीना हो चुका है, फेस वॉश के साथ ही मैंने इसे परचेज किया था। सो नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के साथ इस प्रोडक्ट का रिव्यू करूंगी, बिल्कुल ऑनेस्ट एंड जेन्युइन रिव्यू रहेगा। सो मेक श्योर, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन फटाफट सब्सक्राइब कर लेना फॉर मोर सच रिव्यूज। सो दैट्स ऑल गाइज फॉर दिस वीडियो। अगर ये थोड़ी सी वीडियो अच्छी लगी हो ना, हेल्पफुल लगी हो, देन जाने से पहले कर देना मेरी वीडियो को लाइक। मिलते हैं इसी तरीके की नई वीडियो के साथ। टिल दैट टाइम टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय, आई लव यू ऑल, नमस्ते।